राम राम सारे भाइयों ने। भाई दीपक भाई, सरपंच भाई, हमारे गांव के भाई प्रधान जी, इनको हमने रिक्वेस्ट किया था एक बार कि ग्राउंड में कुछ सफाई चाहिए, तो आप एक बार देखो करिए भाई, एक बार कहते हैं भाई साहब। मैं भाई एक बार कही थी भाई साहब से, कहते हैं अगले दिन ने मशीन ला दी है, और इसके अलावा भाई ने खंभे गड़वा दिए यहाँ पे, ठीक है। और जो भी स्पोर्ट्समैन, चाहे वो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या क्रिकेट का, जो भी इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर चीज के लिए भाई साहब ने आग्रह कर दिया है, तो इसके लिए भाई जोरदार ताली हो जाएगा भाई सरपंच साहब के लिए। इतना कुछ कर रहे तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि भाई साहब की प्रशंसा में दो सबके। और ये ग्राउंड भाई आप बहुत बड़ा ग्राउंड है, सारे ग्राउंड की सफाई भी आज हम सफाई कर रहे हैं प्रधान जी के सहयोग से हो रहा है सब कुछ, ये तो बड़ी खुशी हो रही है कि भाई इतना अच्छा प्रधान है हमारे गांव में, और जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे हैं सब भाई साहब ऐसे ही सरपंच आते हैं, और आगे भी भाई चाहेंगे भाई साहब भी आए, और कुछ भी भाई स्पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है तो हमें बड़ा सहयोग देते हैं। तो जो भी बच्चे भाई सफाई की वजह से ऐसा था, कुछ का ये था कि भाई सफाई नहीं ग्राउंड में, थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, तो अभी माहौल बहुत बढ़िया हो रहा है, और भी बच्चे जुड़ सकते हैं, आप आ सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, चाहे वॉलीबॉल खेलने के लिए, रेस करने के लिए, बास्केटबॉल, टायर भी आड़े ला दिए हैं सुनील भाई साहब के से, एक तो टायर भी आ गए हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, एक रास्ता चढ़ बंद रखा है, तो अनेक ऑप्शन है अपने पास। कोई भाई अगर जिम में नहीं जा सकता तो यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है। तो भाई दोबारा से प्रधान जी के लिए, सुनील भाई के लिए तालियां भाई, धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया ग्राउंड रेडी कर दिया भाई हमने। अब आप ट्रैक को देख रहे हैं कितना अच्छा ट्रैक बन गया है, पहले यहाँ पे झाड़ियाँ, कीकर और एक्स्ट्रा जो कांटेदार पेड़ पौधे होते हुए थे यहाँ पे, अब आप ट्रैक की सफाई देखो कितना अच्छा बन चुका है। इसमें सारे प्लेयर्स को वार्म अप के लिए रेस करनी पड़ती है ना, तो ये ग्राउंड के चारों ओर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड है इधर भाई, ये इस तरह की झाड़ियाँ थी प्ले ग्राउंड में, देखो कितनी खतरनाक थी, अब ये सारे साफ हो गए हैं। इसकी फिनिशिंग के लिए जो भी काम बाकी है वो भी हम स्टार्ट करेंगे, और वो ये धीरे धीरे सारा काम बहुत बढ़िया होता जा रहा है। आप देखो कितना स्पेस भी निकला है यहाँ पे, पहले यहाँ पे ना सारी ये किकरी थी, आप देखो यहाँ पे सब सांप जो कांटेदार किकरी होती ना वे थी भाई, अब ये ट्रैक आप देख लो बिल्कुल साफ हो गया ट्रैक, जो थोड़ा बहुत और बचा हुआ है भाई इसको भी हम सारे बच्चे जो एक्सरसाइज करने आते हैं कस्सी के साथ या और भी फावड़ा कस्सी लेके इसको ठीक करेंगे। हाँ तो भाई ये संदीप भाई हैं, सुनील भाई हैं, सुबह से मतलब ग्राउंड में हैं सुनील भाई, संदीप भाई, इन्होंने सब पूरी मेहनत करी है, और प्रधान जी ने गाँव के ने भाई सहयोग किया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। पूरा ही ट्रैक रेडी कर दिया भाई ग्राउंड, ये हमारा काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, आसपास के जितने भी गांव हैं सबसे बड़ा ग्राउंड हमारा है, तो हम सभी भाइयों को इनवाइट करते हैं, जो भी भाई यहां पे हमारे ग्राउंड में आके प्रैक्टिस करना चाहे कर सकता है, रेस की प्रैक्टिस कर सकता है, बास्केटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट खेलने के लिए तो हम आते हैं यहाँ पे हर संडे को दूर दूर से, वॉलीबॉल का ग्राउंड वहाँ पे कोने में भाई, तो काफ़ी सुविधाएँ हो चुकी हैं अपने ग्राउंड में, आप देख सकते हैं कोने में हमने एक रास्ता लटका रखा है, और सामने खंभे बिगड़ गए, और हमारी कोशिश ये है कि इस ग्राउंड को ना जिम में कन्वर्ट करेंगे, जो ओपन जिम होता है, या एक हो सकता है हम यहाँ पे कमरा भी बनवा दें, तो हमारी पूरी कोशिश है इसको एक एथलीट ग्राउंड के रूप में आपके सामने रखें। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जो एक्सरसाइज करना चाहिए यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब सुविधा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, धन्यवाद भाई।